What's up, Cap Gang? Welcome back to another क्या भैया, ये तो न्यू गेम खेल रहे आज हम. Yes, जैसे कि आप जानते हैं, वेलकम टू कैब की दुनिया एंड ये है माइनक्राफ्ट. यस भैया जी, $27 का गेम था, खरीद लिया तुम्हारे भाई ने, बहुत दुख हुआ वैसे, बट खरीद लिया. एंड ये मैं पहली बार जिंदगी में माइनक्राफ्ट खेल रहा हूँ, मेरे को इसका ABCD भी नहीं पता है, बस इतना पता है ये माइनक्राफ्ट नाम की चीज़ एग्जिस्ट करती थी जब से मैं पैदा भी नहीं होता, शायद उससे पहले से कि नहीं, बाद में आई थी शायद से, तो आई थिंक 2008 या 2009 में आया था, पता नहीं. बट माइनक्राफ्ट एक उन गेम्स में से जिसकी कम्युनिटी ना बहुत पुरानी है एंड भयंकर, इतनी बड़ी है ना, क्या बताऊँ, बस हद से ज़्यादा बड़ी कम्युनिटी माइनक्राफ्ट की. तो एंड मेरे को थोड़ा सा बुरा लग रहा है, लाइक मैं माइनक्राफ्ट इतने टाइम बाद खेलो, लाइक मेरे को तो मेरा पहला गेम होना चाहिए था माइनक्राफ्ट, बट नहीं थी, रोड रश था. तो अब माइनक्राफ्ट के अंदर तो मैं आ तो गया हूँ, बट मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है. मैं पहली बात तो लाइक कूद रहा हूँ इधर उधर, ये फूल पौधे तोड़ रहा हूँ, शायद से इनसे कुछ फ़ायदा सा हो जाए. भैया इन फूल को क्या खाऊँगा मैं, ये रेड डाई. अच्छा, मेरी इन्वेंट्री के अंदर ये इतनी सारी डाइज आती, पता नहीं इसके अंदर ना, ये एक तो न्यू रेसिपी एकदम अनलॉक हो गई एंड इतनी सारी डाइज आ गई है, पता नहीं भयंकर इसको कहाँ कहाँ खाने पीने में इस्तेमाल करना, मेरे को तो घंटा पता नहीं, अभी तक कुछ भी नहीं पता. प्लीज़ मेरी मदद कर दो माइनक्राफ्ट वाले फैन, जाकर के कमेंट सेक्शन में कि भैया करना क्या है. अभी मेरे को दूर एक फूल दिखा, अरे अबे भयंकर इसमें डैमेज भी पड़ता है क्या कूदने का, लॉल ये तो पता ही नहीं था मेरे को. एंड मैं ऊपर कैसे चढ़ूँ यहाँ से, ये भाई मैं कतई माइनक्राफ्ट नूब हूँ भाई, ये मैं फंस गया, अरे मैं निकलूंगा कैसे, अरे बचाओ कोई, अरे मैं यहाँ फंस चुका हूँ, अरे हेलो भैया, अरे भैया जॉम्बी भैया, अरे बचा लो, अरे ये कहाँ फंस गया, ये टूट क्यों नहीं रहा है, अच्छा दबा के रखना होता, नेवर माइंड. अरे यार ये तो गलत ही स्कैम है मेरे साथ है, तो कतई नूब हूँ माइनक्राफ्ट में अभी. चलो कुछ नहीं होता, नाम बनता है रिस्क से, ऑफकोर्स रिस्क क्या होता है, विक्स थोड़ी कर रहा हूँ. तो अभी तो मेरे पास सिर्फ डाय है एंड ऊपर वाला जो फूल है मेरे को जाकर के चाहिए भाई, वो येलो येलो ब्यूटीफुल सा फूल है, फ्यूल नहीं फूल है, फूल यस. तो रंग बिरंगा येलो कलर का फूल मेरे को चाहिए, बट उस तक जाऊँ कैसे मैं, आई थिंक मेरे को है ना तोड़ फोड़ के ही जाना पड़ेगा भैया ऊपर तक, तो घंटा ऐसे नहीं पहुँच पाऊँगा मैं. अरे लाइए यार प्लैंक पुलोंग से डालते हैं, यहाँ पर डब्बे वब्बे लगाते हैं, अब ये तो आई थिंक लकड़ी का है. तो भाई ये बहुत कंफ्यूजिंग है, सही बताओ ना, इतनी सारी रेसिपी खुल रही है, अरे खाने पीने का सामान थोड़ी है, रेसिपी दे रखा है नाम भयंकर, कुछ भी इनको खाऊंगा थोड़ी मैं. न्यू रेसिपी अनलॉक्ड भैया, क्या कुछ नया खाना पीने का सामान है तो बताइए. नहीं ना मैं ऊपर नहीं जा पा रहा हूँ यार, अच्छा इसको तोड़ के भी तो जा सकते, मेरे दिमाग से मिल गया, नेवर माइंड. तो भैया जी मैं पहुँच गया, कहाँ है फूल कहाँ है, अरे लॉल ये किस चीज़ का बना हुआ है, ये पत्थर है कि मेटल है, ये कौन सी दो केड़े की चीज़ है भैया, सस्ते नशे करके ये क्या चीज़ है, ये टूट भी नहीं रही है, नेवर माइंड. उसको तोड़ने के शायद हथौड़ा हथौड़ा चाहिए होगा. वो येलो कलर का फूल कहाँ गया बे, अरे भैया उस तक तो पहुँचा दो किसी तरीके से हमको, अरे ये तोड़ फोड़ के ही जाना पड़ेगा लग रहा है हमें तो आज के दिन में, ऐसे तो पहुँचेंगे नहीं. अरे भैया हेलो फूल भैया, व्हाट्सअप, न्यू रेसिपी अनलॉक्ड येलो डाई. भैया जी देखिए मेरे बालों का कलर तो ब्राउन है, अब उसके अंदर डाई वाई लगाऊंगा तो अच्छा तो लगूंगा नहीं मैं, कि शायद से इससे बालों का रंग होगा डाई से, पता नहीं. जब इतनी सारी रेसिपी खुल गई भयंकर, इतना तो खाना मैंने जिंदगी में नहीं खाया होगा. एक और नई रेसिपी मिल गई भैया, कितनी रेसिपी है ये, क्या है पबजी तो सॉरी अरे इतना पबजी खेल चुका हूँ कि मुँह में पबजी चढ़ चुका है, नहीं व्हाट इज दिस माइनक्राफ्ट. अरे यार मेरे को पूरा सीखना पड़ेगा, गाइस मेरी मदद कर दो यार, कैबियंग जाकर क्या होता है इस गेम में, करना क्या है, मारना किसको है, पेलना किसको है, पटके चार रखी, मेरे को तो पता ही नहीं करना क्या इसमें, मैं बस घूम रहा हूँ ऐसे. अरे वैसे इसका तो कुछ मैप वूप नहीं है क्या यार, मैप तो होना चाहिए कम से कम, कि भाई बंदा कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, भयंकर ऐसे घूमते रहने का है क्या. आई थिंक न्यू स्पीशीज हमको अनलॉक करके देखनी है, पता नहीं क्या सीन है. ये भी भैया ये तो आई थिंक रोज है तो, एंड येलो कलर का सनफ्लावर है, कुछ ऐसे ही सीन लग रहा है. एंड भैया ये पेड़ भी तोड़ देते हम तो, भैया कतई खतरनाक लड़का है ये, काश भगवान मेरे को भी इतनी ताकतवर हाथ देता बे, जितनी मिट्टी विट्टी पत्थर पुत्थर सब तोड़ देता अपने हाथ से, नुबड़ा क्या ही बात है. वैसे दिखता तो बहुत ही अच्छा है वैसे माइनक्राफ्ट के अंदर, ग्राफिक्स सही है यार, सही बताया तो भयंकर अच्छे ग्राफिक्स है माइनक्राफ्ट के. चलो कुछ नहीं होता, देखते हैं अब कहाँ जाने का है. ये केव कौन सी है, ये शायद से मैंने कुछ नया ढूंढा है गाइस, ये कुछ नया ढूंढा है हमने आज, ये कुछ नई डिस्कवरी करी है तुम्हारे भाई ने, इसके अंदर
खजाना छुपा हुआ, क्या होगा इसके अंदर देखते हैं। चलो प्लीज़, जॉम्बी वॉम्बी तो नहीं होंगे वैसे, अभी अभी थोड़ी आएंगे जॉम्बी, मैं तो अभी नादान सा बालक हूँ, अभी थोड़ी तंग करेंगे मेरे को। अरे भैया इसको तो तोड़ने में भी साल लगेगा, हथौड़ा भी नहीं है हम पे तो जो इसको फोड़ दें। ओह टूट गया। अभी ये क्या, दो दो गुफा, एक राइट में जा रही है एक इधर जा रही है, ये क्या सीन है। ये सीन थोड़ा अजीब सा है, चलो यहाँ चलते हैं, तोड़ते हैं ऐसे। अंधेरा कुछ ज़्यादा ही नहीं होगा इसमें, टॉर्च होती है क्या गाइस? लाइक भयंकर इतने अंधेरे में कहाँ जाएंगे, नहीं तो हम मर जबरा जाएंगे भैया, कतई ही खतरनाक जगह है ये। अरे मेरे को तो कुछ दिख भी नहीं रहा, मैं वापस जा रहा हूँ, मैं वापस जा रहा हूँ, बाय बाय, टेक केयर, सी यू नेवर। जब टॉर्च टार्च आएगी मेरे पास तब आग जला करके आके देख लेंगे भैया आपको, क्या आपके अंदर कुछ रखा भी ढंगा के नहीं, कि या फिर ऐसी ऐसी बकवासी सड़ी सी चीज़ है आप टनल के नाम पे। ओ ठंडा ठंडा पानी, ठंडे ठंडे पानी में नहाना चाहिए, माइनक्राफ्ट खेलना है या ना खेलना चाहिए। वाह क्या ही गाना बनाया है मैंने। नेवर माइंड, में बस वैसे मेरा करेक्टर बड़ा चोमू वोमू सा नहीं है, कतई लाइक चोमू वोमू सा, लाइक इसकी शक्ल देख रहे हो, कतई चोमू है और वोमू भी। ये कैसे देखता है ना, ये मेरे कर्सर को कैसे मुड़ मुड़ के देख रहा है, अजीब ही है थोड़ा सीन। अरे ये क्या चल रहा है भैया, व्हाट इज दिस। ओ तो अब गाइस रात हो चुकी है, एंड रात तक मैंने कुछ लकड़ियाँ इकट्ठी कर ली हैं, कुछ मेरे पास स्टिक्स हैं, पता नहीं स्टिक्स से कुछ डैमेज भी होता है कि नहीं, किस लिए होती है स्टिक्स, कुछ फ़ायदा है क्या इसका, इससे क्या जॉम्बी जल्दी मरते हैं भयंकर, मेरे को तो पता भी नहीं अभी मेरे साथ क्या होगा। अरे जॉम्बी पड़ गया क्या मेरे पीछे, भैया भागो, अभी तो नहीं है शायद मेरे पीछे कोई, अभी तो मैं आराम से चुपचाप ऊपर जा रहा हूँ, प्लीज़ मेरे पीछे मत चढ़ जाना आके जॉम्बी भैया, देख के जॉम्बी भैया ले, देख के बात ख़त्म कर दीजिए, आपको पैसे चाहिए क्या चाहिए, आपको माइनक्राफ्ट चाहिए आप रख लीजिए भैया, हमको छोड़ दीजिए भैया जी, छोड़ दीजिए, कह दिया हमने। अरे ओए जॉम्बी के बच्चे नीचे कूद, हो अबे बहुत ही घटिया जॉम्बी है भैया ये तो, अबे तेरे को कुछ काम धाम नहीं है क्या, घर पे कुछ घरवाली नहीं है क्या तेरे, नहीं कुछ काम धाम नहीं है ऐसे। अरे कतई ढीठ जॉम्बी है, मर भी नहीं रहा। अबे ओए ये तो भाई थप्पड़ थप्पड़ से मार रहा है, नीचे गिर गया, प्लीज मर गया होगा अब तक तो ना, सही है सही है। बट मेरे को इनके, मैंने देखा है कि जॉम्बी दो वॉल से ऊपर नहीं चढ़ पाता। अरे ये तुम्हारे स्कैम कर दिया खुद का, अबे दूसरा जॉम्बी चढ़ रहा है, भाग बैंड्रो बेटा भाग, ऊपर चढ़ ऊपर चढ़ ऊपर चढ़ ऊपर चढ़, चल 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 चल, ओ बच गया, क्या ही बचा मैं, क्या ही बचा मैं, ये क्या है, ये क्या है, मैं कहाँ फंस गया हूँ, अभी ले अंडा खा तू नूबड़ा, मैंने अंडा फेंक दिया इसके सर पे। अच्छा बाय द वे गाइस, आज दो वीडियो आएंगे, एक पबजी आएगी, माइनक्राफ्ट ही आएगी, मैं दोनों डालने वाला हूँ भी, एंड अगर आपको माइनक्राफ्ट पसंद आया तो मैं रोज़ दो वीडियो डाल दूँ, मेरे को दिक्कत नहीं है। बट भैया जी अरे वॉल्केनो भी है इधर तो, उसमें आग लगती है क्या, काश मैं उन वॉल्केनो से नुबड़ों को जला देता, कितना मज़ा आता। अब ये वुल्फ भैया भी त्याग रहे हैं हमको, अरे देखिए ये वुल्फ नहीं है, ये कुछ और ही है। अरे मैं नीचे कर गया, भाग एंड्रू बेटा भाग, भाग भाग, नहीं 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 ऊपर नहीं चढ़ पाएगा, भाग भाग भाग, पहली फुर्सत से निकल 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 एंड्रू, भाग, लेफ्ट राइट होता हुआ, ऊपर से कूदता हुआ, नीचे से भागता हुआ, कोने से निकलता हुआ, एंड्रू बेटा भाग, जिंदा रखना है तो भाग, अगर रुक गया। अरे सामने से एक और ज़ॉम्बी आ गया, लेफ्ट निकल, ओ भैया ये पागल है कह रही है, ज़ॉम्बी कुछ काम धाम नहीं है। अरे ओए ज़ॉम्बी सस्ते नशे करके खेल रहे हो क्या, अरे डैमेज भी पड़ गया भैया, कतई क्या हो रहा है, मेरे को भगा भगा के मार रहे यार ये लोग तो। अरे कुछ तो तरस खाओ बे, अभी गेम स्टार्ट किया है दो मिनट पहले मैंने, इतना तो अच्छा भी नहीं हूँ मैं जैसे तुम्हें को भगा भगा के मार रहे हो, कते कुत्ते लोग हो बे तुम जॉम्बी के नाम पे। अरे अबे यार ये नुबड़ा वापस आ गया, निकल अबे निकल भाग, मैं सोच रहा हूँ कि पानी के थ्रू चला जाऊँ कहीं छुप सकता हूँ, क्या थिंक पानी में नहीं आ पाएंगे तो मैं पानी में चला जाता हूँ। अब जॉम्बी प्लीज पानी में तो मत आना, देख तेरी मेरी बीच की बात है, तेरी मेरी डील है, प्लीज पानी में मत आना। अब देखे हम भी जानते हैं कि जॉम्बी पानी से डरते हैं तो ये जॉम्बी पानी में तो आएंगे नहीं, लाइक मेरे को कन्फर्म है भाई जॉम्बी थोड़ी पानी में आते हैं, नहीं आते ना जॉम्बी भैया, हेलो आप थोड़ी पानी में आओगे, आपने तो पैसे खा रखे हैं मेरे से, जैसे वैसे नहीं आते जॉम्बी पानी में, कैसे आ सकते, जॉम्बी तो मर जाएंगे पानी में आते शायद से, आएंगे मेरे को नहीं पता, मर जाएंगे तो क्या सीन है, बट मेरे को नहीं लगता मरेंगे, मरेंगे जॉम्बी पानी में तो। अरे ओए
ए तो पानी में आ गए चोमूलाल। ओ ये तो शार्क है, बट वो ओए ज़ॉम्बी पानी में कैसे चल रही है रे। ओए ज़ॉम्बी भैया वापस जाइए, देखे आप पानी में भी आ रहे, कहाँ बचूँ मैं। राइट में है क्या आप यहाँ पर भैया, फटके चार हो रखी है कतई। मैं जा रहा हूँ, बाय बाय, टेक केयर, सी यू नेवर ज़ॉम्बी भैया। देखे आगे से लेफ्ट, वहाँ से राइट, वहाँ पर जा करके अपने मुँह काला कर लीजिए, हमारे सामने ना आइए। जाइए जाइए जाइए, गड्ढा खोदिए, माइनक्राफ्ट गड्ढा तो खोद ही सकते हो ना अपने लिए। जाइए गड्ढा खोदिए एंड अपना मुँह उसमें दे दीजिए, गटर का पानी मैं पहले फेंक दूंगा आपके ऊपर बस। भयंकर कितने ज़ॉम्बी, एक और ज़ॉम्बी। अबे माइनक्राफ्ट हो गया कि ज़ॉम्बी वर्ल्ड हो गया, ये क्या है ये, कुछ बताइए गाइस, हेल्प करिए हमारी कमेंट सेक्शन में जाकर के। करे तो करे क्या, जिंदगी अपर हम पा रहे, लकड़ी सी लेके घूम रहा हूँ, उसको कहीं जला भी नहीं सकता मैं। भैया जी क्या कहते हैं, माइनक्राफ्ट नो, आई एम माइनक्राफ्ट नो, आई एक्सेप्ट दैट एज ऑफ नाउ, बट तुम्हारा भाई तब तक अच्छा खेल लेगा बहुत टाइम बाद, पता नहीं क्या बच्चा खेलेगा यार। गलत ही सीन हो रहा है यार ये तो, मैं डूब के मर जाऊंगा, मेरे को तो ऐसी फीलिंग आ रही है। एंड पानी में मैंने देखा कि डब इतने सारे टूटते नहीं है, डर्ट और ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है ना टूटने में, पता नहीं क्यों, अजीब बड़ा गेम है भयंकर। हेलो शार्की भाई, क्या हाल चाल भाई। अरे शार्की भाई अरे शार्की भाई, हेलो भाई, कहाँ जा रहे हो भाई। छोड़ो हमको नहीं बात करनी आपसे, ये जगह बहुत अच्छी है, मैं यहाँ पर घर बना लूँ क्या अपना। एक माइनक्राफ्ट में घर भी तो बना सकते हैं, बट वो बनाते कैसे, कुछ ऑप्शन है क्या जिससे घर बनता है, डब्बे वब्बे से इकट्ठे करके डालने होते हैं क्या। वो ये ज़ॉम्बी किसे बचने के लिए मैं ऐसे चढ़ सकता हूँ भाई, तो ये अच्छा आइडिया है, लाइक कभी भी ज़ॉम्बी मेरे पे घुसेंगे मैं ऐसे चढ़ जाऊँगा। बट भाई अगर ज़ॉम्बी का सटक गया, उन्होंने मेरे डब्बे तोड़ दिए तो मेरे तो अलग जाएंगे लंबे लंबे, तो मैं ऐसा करता हूँ अपने डब्बे उठाता हूँ खुद ही और यहाँ से खुद ही निकल लेता हूँ। इस सामान तोड़ के खुद के डब्बे तो उठा सकते हो, जो कि बहुत ही अच्छी बात है इसके अंदर। सही है भैया सही है, यहाँ पर डेप्थ ज़्यादा नहीं है पानी की, बहुत अजीब बात है। मैं यहाँ गड्ढा कर देती, देखता हूँ ना कि इसके अंदर क्या है। भैया जी चलो देखते हैं इन्वेंटरी के अंदर कुछ है क्या। ए मेरी हेल्थ क्यों जा रही है, ओए हो ये किसका है, मम्मी सर व्हाट, वाह क्या ही चोमू गए मैं भयंकर, ये दो केड़ेगा क्या, ये सस्ते नशे करके खेल रहे हैं क्या आप, ये माइनक्राफ्ट आ रहे भैया। ओए ज़ॉम्बी भाई कंट्रोल या फीलिंग्स, आपको हमने पकड़ा हुआ है, आप हमारे बंदी हैं, बंदी समझते हैं, बंदी बंदी नहीं हो आप, हमारे बंदी हो, ज़्यादा फीलिंग ना लो बेटा, फाड़ के चार कर देंगे, ज़्यादा जी एंड ना फलो तोड़ देंगे। तो भैया इसको तो कहाँ जा रहे हो, हेलो भाई ज़ॉम्बी भाई, ज़ॉम्बी भाई क्या हाल चाल भाई। ए तीर कमान वाला भैया आ गया, ओ भाई वो निकल वो भाग गया अंदर, अरे भाग, अरे मार देगा भाई ये तो, कतई कुत्ता बंदा है ये तो। ओ भाई ए तोड़ रहे इसको, जाने दे रे, सांस नहीं आ रहा मेरे को। ओ भाई इसको कैसे मारूंगा मैं, कतई कुत्ता ज़ॉम्बी है भैया, एरो से मार रहा है। भैया आपके एक घर वालों ने गिफ्ट करा है ये तीर कमान, हमको तो देता नहीं माइनक्राफ्ट भी कुछ ऐसा। लो और डैमेज खा लिया मैंने, अरे भाई इस कल सत्यानाश हो मेरा, कन्यादान कह रहा था मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी फटके चार होगी क्या कह रहा हूँ मैं वापस अपने किले में चला जाता हूँ जो मैंने दो केड़ी का बनाया है। इसके अंदर से जाते हैं, जाकर छुप के बैठ जाते हैं यार, मैं जा रहा हूँ अरे यार जाने दे मेरे को, मेरे को अंदर जाने दो। इसको तोड़ देता हूँ मैं, जिससे ऊपर नहीं आ पाएगा ज़ॉम्बी, लाइक ज़ॉम्बीज़ को भी एकदम स्टे टाइप चाहिए होता है जैसे हम चढ़ते, तो वो कुछ स्पेशल नहीं होते, बट वो डैम में क्या देते। अरे ए अर्जुन क्यों बन रहा है रे, ओ भैया देखिए अब इसको मारना पड़ेगा हमें, अब किंग एंड्रू को मारना पड़ेगा इसको, अब मैं बारबेरियन बन जाऊंगा क्लैश ऑफ क्लैंस वाला, एंड इस दो केड़ी के आर्चर बना करके पेल दूंगा। अरे यार नो बड़े तू क्या यार, ये तो चीटिंग है, बट मेरे को इतना पता है कि मैं अपना सामान वापस ले सकता हूँ, मतलब ये गेम वहीं से कंटिन्यू होता है जहाँ पर तुम मरते हो, तो लाइक मरने में कोई टेंशन नहीं है। तो मैं जा करता हूँ जल्दी से उसी ज़ॉम्बी को वापस से मारता हूँ, वो उस ज़ॉम्बी को भी कुछ अंतर नहीं पड़ेगा, वो देख रहे हो ये ज़ॉम्बी भाई कते ढीट। अरे भाई डैमेज तो देखो ये आर्चर कितना देता है, अरे भाई ये डैमेज वैमेज मत दीजिए, अरे अरे भैया रुक जाइए कत ही मार रहे, ओ भाई ढीट चढ़ता है कत ही ढीट चढ़ता है। देखिए आपको मार के आपका तीर कमान तो मेरे को दे देना प्लीज़, किसी काम तो आएगा मेरे। अरे क्यों मार रहा है, अरे ओए ओए चोमूलाल
भैया ये माइनक्राफ्ट वाले ज़ॉम्बी बहुत खतरनाक है, इनको मारने का कोई तरीका है क्या गाइस? बताओ ना जल्दी कैसे मरेंगे ये नोबड़े पे? फाड़ के चार कर देते, सिलने को भी पेपर वेपर कुछ नहीं मिलता, ना रस्सी मिलती है। क्या मार रहे रही ये लोग। वैसे गाइस अगर तुम वीडियो अभी तक देख रहे हो तो नीचे जाकर जल्दी से लाइक कर दो, हमारा गोल पूरे के पूरे 3 लाइक का है। हमारा भाई लाइक हम 3 लाइक करते हैं गोल। एंड आप अगर चैनल पे नए हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, हमारा गोल पूरे के पूरे 7 लाख सब्सक्राइबर्स का है ना भैया। क्या टेस्टी टेस्टी खाना खाने को मिला हमें, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो नीचे जाकर जल्दी से सब्सक्राइब करो अगर एंड सपोर्ट करना चाहते हो चैनल को, तो आप चैनल मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हो। 60 रुपीज स्टार्ट है एंड आप कैब गैंग के एक मेंबर बन सकते हो, प्रेस्टीज मेंबर। तो अब ये जो मैंने किला सा बनाया है 2 रुपए वाला सस्ता सा, अब इसको काम चलाओ किला कहते हैं। मैं को पता तो नहीं ना किले विले कैसे बनाओ इसके अंदर, अब मेरे को सीखना पड़ेगा वो भी जा कर के, क्योंकि अभी तो ये ऐसे लाइक 2 रुपए का सस्ता सा घर बनाया है मैंने, जिसके अंदर मैं छुप के बैठा हुआ हूँ। सही बताऊँ तो मैं सोच रहा हूँ कि पानी जो है, इस पानी को किसी तरीके से अपने घर के साथ कनेक्ट कर लूँ तो क्या होगा, कितना सही रहेगा ना। नहीं लाइक मैं इधर अंडरग्राउंड वाटर सिस्टम कुछ बना लेते हैं तो पानी की कमी तो भयंकर नहीं होगी। सही बताएं तो इतना पानी होगा कि भयंकर पानी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और पानी से मैंने देखा कि ज़ॉम्बी फंस भी जाते हैं, लाइक उनको एक गड्ढे में जा करके ना पानी डाल करके फंसा तो भयंकर जिंदगी भर बाहर नहीं आएंगे। तो उससे कुछ कर सकता हूँ क्या मैं, पता नहीं। ये मेरे पास क्राफ्टिंग टेबल है एंड देख रहे हो मैंने ये अंडरग्राउंड टनल बनाया है अपने लिए गाइस अभी अभी। तो अब देखते हैं इससे कुछ फ़ायदा भी है कि नहीं। इसको मैं लाइक सोच रहा हूँ कि इधर ले आऊँ किसी तरीके से ना, मेरे को ये पानी इस तरफ चाहिए तो मेरे को ये तोड़ना पड़ेगा और इसको तोड़ करके मेरे को रिवर से कनेक्ट करना पड़ेगा, रिवर या फिर जो भी 2 रुपये की सस्ती चीज़ है वो। अरे भैया इतनी चीज़ें सामने काहे को आ रही है हमारे। चलो भैया ऊपर चढ़ जाते हैं, और तो कुछ हो नहीं सकता शायद से। ये मैं ऊपर चढ़ गया एंड अब देख रहा हूँ मैं आसपास की कोई कुछ है भी या नहीं। मेरे को नहीं लगता कि अभी तो और कोई ज़ॉम्बी वॉम्बी आसपास। ज़ॉम्बी शायद ना मैक्सिमम रात को ही आते हैं, लाइक रात को ही आते हैं, दिन में तो भयंकर घंटा कुछ नहीं दिखता मेरे को। एंड ये फाइनली मैंने अपना वाटर सिस्टम तैयार कर लिया है जिसके अंदर पानी फ्लो हो रहा है। बट भैया जी ये बताइए इसको पीनेंगे कैसे, हम पियेंगे कैसे, कुछ पीने का तरीका तुरका सका है कि नहीं भाई? ऐसी शो ऑफ के लिए पानी है या नुबड़ा? नहीं देखिए प्यासा तो मरने का मेरा शौक नहीं है, खाने को तो वैसे बहुत है तुम्हारे भाई, बट पीने को घंटा कुछ नहीं है। तो लाइक मैं इधर ऐसी दीवारें तोड़ के इसको और थोड़ा लंबा करने का सोच रहा था कि लाइक एकदम एंड तक कर दे, तो बट फिर मैंने देखा मेरे खुद के लंबे लंबे लग गए वैसे, क्योंकि मैं गलती से स्ट्रीम में फंस गया। ये जो ये पानी की स्ट्रीम है या फिर पानी का जो ये बहाव है, तो मैं खुद कैसे बाहर आऊँगा, मेरे तो अलग जाएंगे। नहीं यार ये गलत है, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि भैया ऊपर चलते हैं, अभी तो बहुत देर हो गई है चूमोबंदी करते हुए। छोड़ो यार फ़ायदा ही नहीं है, यहाँ पे क्या करूँगा मैं ड्रामेबाजी, फिर मैं वापस है तब भी घुस रहा पानी। पता नहीं कुछ मज़ा आ रहा था मेरे को ना पानी में नहाने में, लाइक पानी में नहाने का भी अलग ही स्वैग। मैं एक्चुअली ना यहाँ पे इस गड्ढा बना रहा था जिस ज़ॉम्बीज के लिए, कोई ज़ॉम्बी आता है इधर से तो उसको भाव खींच के इस गड्ढे में फेंक देगा, इस गड्ढे के अंदर फिर मैं घुस के आराम से उसको जो करना चाहूँ वो कर सकता हूँ बहुत ईजिली। तो भैया जी ये मेरा कुछ वैसा ही सपोर्टिव सा घर था अभी तो करंटली, बट अब हमें का पता था कि हमारे अलग जाएंगे, बहुत लंबे लंबे कता ही लंबे लंबे। वैसे अभी तो मेरे पास इतना सारा सामान है यहाँ पे डालने के लिए जो मैं बना सकता हूँ, बट मेरे पे वेपन्स बनाने के लिए कुछ भी नहीं है यार, ये थोड़ा गलत हो रहा है मेरे साथ। मेरे को थोड़े वेपन्स चाहिए और मेरे पे वेपन्स बिल्कुल भी नहीं। अब हाथ तो मारूंगा नहीं, बस घंटे नुबड़े को थप्पड़ अप्पड़ से मारने गया स्वैग में बोल करके। अरे भैया हम तो मारेंगे, घंटा कुछ नहीं मार सकते बेटा, तो बता रहा हूँ मैं तुम्हें। अरे ये क्या बात है, मैं फटके चार हो गई घर के अंदर आवाज आई थी। तो ये ऐसा काम करेगा मेरा फ्लो थोड़ा सा ना कि लाइक वहाँ से ज़ॉम्बी आएगा और यहाँ पे गड्ढे में अंदर फंस जाएगा, यानी गड्ढे में एक बार फंस गया फिर तो उसके लंबे लंबे हल लगा देगा तुम्हारे भाई, मार मार के खोपड़ा ही फोड़ देगा साले का। तो ये पानी के स्ट्रीम मैंने ऐसे ज्वाइन कर रखे हैं यहाँ पर अब जो भी है, और यहाँ पर मैंने एंड किया हुआ उसका रीज़न तो मैं बता चुका हूँ कि मैं नहीं चाहता कि मेरा जो सीन है थोड़ा ख़राब हो जाए। चलो एनीवेज अब जो बात है रात होने वाली है, बिकॉज रात का मौसम हो चुका है, धीरे धीरे रात हो रही है एंड मेरा जो डिफेंस सिस्टम है वो ऑलमोस्ट इंटैक्ट है, रेडी है एग्जीक्यूट करने के लिए। बस मैं नहीं चाहता कि भयंकर मेरे लंबे लंबे लग जाए जब रात है, बिकॉज भाई ज़ॉम्बीज कुत्ते की तरह आते रहे, वो कुछ काम धाम नहीं होता तेरे को पता है इन पे, ये बस आते हैं हमको मारने, चाहते हैं हमको मारने, क्या करें।
टीपी पे लेता हूँ, और क्या रहता है, फिर मैं टीपी भी कह लूँगा, नेवर माइंड। तो मैं अभी डिसाइड किया कि इसको वॉल को एक और लंबा ऊंचा कर लेता हूँ। उसका एक ये रीज़न था कि भाई अब जब एक और रात आ रही है तो पता नहीं कैसे टाइप के ज़ॉम्बी आएंगे, क्या पता कुछ हल्क हुल्क सा ही ना आ जाए भयंकर आते एक लाफे में मेरा कैसल तोड़ दे। तो भैया मैंने सोचा चलो इसकी वॉल ऊंची करते हैं, बिकॉज एक और ऑप्शन हफ्ते पे फिर आ जाता है। बट भयंकर सही बताऊँ तो चार नहीं हो पाएगा यार, ये चार फ्लोर हाई है मेरे अकॉर्डिंग तो, एंड डैमेज बढ़ता है तुम्हें पता है, नीचे जाते हैं मेरे को डैमेज पड़ रहा था यहाँ पे। क्या घटिया चीज़ है, सस्ती से चीज़ है। तो मैंने सोचा सीढ़ियाँ बना लेता हूँ अपने खुद के लिए ना, कॉज मेरे को ऊपर तो जाना ही ऑफकोर्स, एंड मेरे को बचना भी, एंड मैं नहीं चाहता कि वो लोग मेरे अंदर घुसे, तो मैंने सीढ़ियाँ बनाने का डिसाइड किया, कॉज यार सीढ़ियाँ तो बनानी ज़रूरत है, अगर सीढ़ियाँ नहीं हुई तो बचेंगे कैसे बताइए, कोई ऑप्शन है बचने का? नहीं ना ऑप्शन ही नहीं। तो अभी तो मैं बस इधर ही ऐसे घूम रहा हूँ पूरे के पूरे स्वैग में, मैं लाइक इंतज़ार कर रहा हूँ कि रात कब ख़त्म होगी एंड कब मैं बाहर जा कर के बंदों को मारूंगा, पीलूंगा, आग लगाऊंगा, मेरे को और सामान मिलेगा लूटने को, और मैं माइनक्राफ्ट में और आगे बढ़ाऊंगा अपने आप को। बट अभी रात हो रही है एंड रात को यार नहीं घूम सकते ज़्यादा ना, कोई ज़ॉम्बी भैया अगर ऑफेंड हो गए तो भैया जो लाफा मारेगा मेरे को वो ज़ॉम्बी, मैं कन्फ्यूज़ हो जाऊँगा इस सांस का सिलो एंड माइनक्राफ्ट का सिलो। तो भाई सीधी सी बात है इसमें कुछ खास लग चुकी है आके माइनक्राफ्ट के अंदर, तुम्हारा भाई आ चुका है एंड पानी में ही बैठा हूँ यार, मैं तो कर के आ रहा हूँ ज़िंदगी के साथ, दीवार देख रहा हूँ इस पानी के अंदर, अंदर बाहर कर रहा हूँ। मेरा एक्चुअली गोल था कि क्या पता इस थ्रू के, इस पानी के थ्रू कोई आए, भैया जो स्केल हम लगाए, बट कोई नहीं आया यार। मैंने बहुत वेट किया कि भैया ग्राउंड कॉर्डन पर कोई बंदा आएगा, कोई नहीं आया। फिर उसके बाद तेरा टीम 11 लाइक जो हुआ सीन वो भी नहीं हुआ, तो जो है वो है। तो मैंने सोचा कि अब ऐसा करता हूँ ऊपर चढ़ जाता हूँ, ऊपर चढ़ के ही फ़ायदा है, आखिरी के कुछ मिनट बचे हैं, अगर रात किसी तरीके से निकल गई तो मैं जिंदा बच जाऊँगा। बट मैं नहीं चाहता कि मेरे को कोई स्पाइडरमैन आकर के डस ले, बे कॉस्ट में पता है इसके अंदर स्पाइडरमैन भी होते हैं, स्पाइडरमैन तो नहीं भयंकर बट एट आँखों वाला स्पाइडर हाँ इसके अंदर होता है माइनक्राफ्ट। भैया चाहते क्या हो गेम वालों, देखिए आपने ज़ॉम्बी बना दिया, आपने आपने मकड़ियाँ बना दी है? नहीं और क्या बचा है ज़िंदगी में, आपने सब कुछ उल्टे काम कर दिए हैं, अभी भी तसल्ली नहीं पड़ रही है आपको, क्या बताओ भयंकर, क्या ही बताओ। तो अभी पंपकिन वाला डब्बा मैंने इधर उधर रख के मैंने डिसाइड किया था कि चलो पेड़ों के ऊपर थोड़ी दुनिया देखते हैं, थोड़ा ऊपर हाइट लेते हैं। हाइट लेके क्या होता है, एक तो तुम अपने एनिमीज को बहुत ईजिली स्पॉट कर सकते हो, मतलब ज़ॉम्बीज कहाँ कहाँ हैं, एंड ऊपर से तुम लोग बहुत ज़्यादा डिस्टेंस भी कवर कर सकते हो छुप के उनसे बच के, एंड नई नई जगह एक्सप्लोर भी कर सकते हो। तो लाइक ये थी तो बहुत ही अच्छी जगह दिखने में, सही बताया तो। बट मैं अभी बताऊँ तो रात में फंसा हुआ, मेरे को पता नहीं रात को करूँ क्या, मैं अब इंतज़ार करूँ क्या दिन होने का, कॉज मेरे पास कुछ भी नहीं है लाइक लड़ने के लिए, तो घंटा कुछ नहीं है, तो शायद से मैं अभी इधर ही बैठूंगा और क्या करूँगा इधर लाइक पेड़ के ऊपर सन्यासी बन करके, और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पे, क्या करे, करे तो करे क्या, डब्बे तोड़े, डब्बे तो नहीं तोड़ सकते ना, वापस घर में चले जाए वो भी नहीं कर सकते क्योंकि हमने घर तो छोड़ दिया है, अब यही घर है हमारा माइनक्राफ्ट का, डॉल्ली लेवल घर ऑफ माइनक्राफ्ट। मैं वापस से पानी में आ गया, मैं कर क्या रहा हूँ अपनी ज़िंदगी के साथ, पता नहीं भाई गाइस मेरे को थोड़ा ना फिगर आउट करना पड़ेगा कि इस गेम में क्या था। नहीं इस गेम में वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, और शेयर अपने दोस्तों के साथ, एंड सब्सक्राइब करो अगर तुम चैनल पर नए हो फॉर मोर माइनक्राफ्ट वीडियोस, एंड मैक्सिमम आइए माइनक्राफ्ट देखिए कैसा लग रहा है, वो भी है ना। अरे मैं भी पहली बार खेल रहा, बहन का फटके चार हो गया, सिलने को पार हो गया, जिंदा बचने को लाल हो गया, कोचिंग के भागने का हलाल हो गया, लॉल क्या ही राइम बनाता हूँ मैं। चलो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना बिल्कुल भूलना, शेयर करना दोस्तों, सब्सक्राइब करो अगर चैनल पे नए हो, एंड मैं मिलूंगा तुम्हें विद द ब्रांड न्यू वीडियो बहुत ही जल्दी। पीस आउट।